अगर आप दोस्तों एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं अंडर 20 के यानी 20,000 के नीचे या फिर 10,000 के नीचे, तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों जो भी फोन आप खरीद रहे हो यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप अंडर 20 के में स्मार्टफोन कोई खरीद रहे हो तो वहां पर चेक कर ले कि कम से कम उस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर, जैसे कि 710 हो गया, 712 स्नैपड्रैगन हो गया, या फिर 730G हो गया, 730 हो गया, ऐसे प्रोसेसर जो है वो चूज करें। ऐसे फोन आपको गेमिंग बढ़िया देखने को मिलेगा, या फिर अंडर 20 के में आप मीडियाटेक हीलियो G90T जैसे पावरफुल चिपसेट को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये चिपसेट अगर आप अंडर 20 के में यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कोई फोन खरीदने के लिए, तो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है उस फोन में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका दोस्तों जो बजट है वो अंडर 10 के, तो अंडर 10 के में आप चेक कर ले कि फोन में कम से कम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, मीडियाटेक हीलियो G70 या फिर कह लो G80 या फिर कह लो मीडियाटेक हीलियो P70 P60, ऐसे प्रोसेसर को चूज करें गेमिंग के लिए। अगर आप कोई बढ़िया कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें मेगापिक्सल पे ना जाए, उस फोन में कौन सा सेंसर दे रखा है वो चेक कर ले। जैसे कि अगर आपको एक बढ़िया कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना है 10,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो यहाँ पर चेक कर ले कि उसमें सैमसंग का कोई सेंसर दे रखा है GW1 या फिर कह लो GM1 सेंसर, या फिर सोनी का सेंसर दे रखा हो उस फोन में, जैसे कि सोनी IMX586 हो गया, 686 हो गया। तो ऐसे सेंसर वाले अगर आप कैमरा स्मार्टफोन खरीदते हो तो ऑफकोर्स वहां पर आपको जो कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो तो।